खान साहब का पैगाम था। खान साहब ने कहा कि ये हमारे लोग हैं और इनके साथ जुल्म बर्दाश्त नहीं होगा, किसी कीमत पे नहीं होगा। नौशता दीवार पढ़ लेना चाहिए और इनको फौरी बहाल करना चाहिए और इदारे की बंदिश का फैसला वापस लेना चाहिए। खान साहब का पैगाम आया, उन्होंने कहा कि यूटिलिटी स्टोर के वर्कर्स को कहो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, पीटीआई का एक एक वर्कर तुम्हारे साथ है, पीटीआई का एमएन एमपीए तुम्हारे साथ है और पीटीआई आपके दिलों में है और आप हमारे दिलों में। बहुत शुक्रिया शेख बगास साहब, हमारे साथ मौजूद थे। लोगों की शेख साहब आ गए, सब कुछ आ गए, सब भी आएंगे। ये इनको लेट होगी, इनको ये पद नहीं करने देंगे। हम आखिरी हद तक जो कुछ हमसे हो सका हम आपकी यकजहती में आपके साथ खड़े रहेंगे। अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा करे, अल्लाह आपको आपके इन जायज वजायम में कामयाबी दे और अल्लाह आपके बच्चों का जो नवाला है वो किसी को छीनने की तौफीक ना दे। पाकिस्तान देखो इन्हें सारे लगते लगते पाकिस्तान को बाहर ले, इसलिए पाकिस्तान का नारा भी ऐसे लगाओ जैसे हम एक दूसरे का नारा लगाते हैं ताकि इन्हें पता लगे कि पाकिस्तानी अवाम के चोरीशुदा वोटों से ये वहां बैठे हैं। अवाम बोल पड़ी है और पाकिस्तान को याद कर रही है और खान को याद कर रही है। पाकिस्तान बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिशन होने के लिए आए मैं सारे सैंपल करें, पीछे बैठ जाए, ये सिंह बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। मेहरबानी करना सारे साथी पहले पीछे जितने जीत जा सकते हो बैठ जाओ, ये कोई मजाक हम नहीं खेल रहे हैं। हम Yeah!